देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। अमेरिका ने तालिबान के उन सारे दावों को खारिज कर दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के गजनी में क्रैश हुए विमान को तालिबान ने मार गिराया था। मगर अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस बात की पुष्टि कर ली है कि अफगानिस्तान के गजनी में क्रैश हुआ विमान अमेरिकी सेना का ही था। अफगानिस्तान के यूएस फोर्सेस के प्रवक्ता कर्नल सोनी लेगेट ने एक बयान जारी कर कहा, क्रैश हुआ विमान अमेरिकी बम वर्षक E-11A था। ये सैन्य विमान एक तरह का जेट है। इस विमान से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में हवाई संचार की व्यवस्था करती है। अभी क्रैश की वजह की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं है कि दुश्मन के हमले की वजह से विमान क्रैश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश की वजह से हुए हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने दावा किया था कि गजनी प्रांत में एक अमेरिकी वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है। उन्होंने दावा किया था कि इस विमान को तालिबानी लड़ाकों ने मार गिराया है, लेकिन अमेरिका ने अब उनके दावों को खारिज कर दिया है।